नागपुर में फिल्म संविधान एक रास्ता की शूटिंग के लिए नागपुर पहुंचे सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता रजा मुराद ने अपनी शूटिंग की शुरुआत नागपुर दीक्षा भूमि से की। इस फिल्म में नागपुर के नए कलाकार मनीष महेड़िया ने भी अपना एक छोटा सा रोल निभाया है। इस फिल्म का कुछ हिस्सा नागपुर के बॉटनिकल गार्डन में शूट किया जा रहा है। इस दौरान सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता रजा मुराद ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए फिल्म के बारे में जानकारी दी। इस फिल्म में हैदराबाद के सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता गुल्लू दादा ने भी अपना अभिनय किया है। अभिनेता रजा मुराद जी ने इस फिल्म के बारे में प्रेस को जानकारी दी और इस अवसर पर अजमत खान, सिने निर्देशक अनिल नरेडी, संदीप चिपाटे, आशिम पोहाणे, स्वाति चूटे, पूनम मेहाड़िया, शीतल मेहाड़िया, प्रथम मेहाड़िया और सुरभि मेहाड़िया आदिगण भी उपस्थित थे। सुप्रसिद्ध एक्टर जो है बॉलीवुड के रजा मुराद यहाँ नागपुर आए हैं। वो संविधान एक रास्ता ये शूट जो है इसके लिए और ये फिल्म आने वाली है उनसे हम जानेंगे। सर ये जो संविधान एक रास्ता ये जो आपकी फिल्म आने वाली है इसके बारे में नागपुर वासियों को बताइए, क्योंकि नागपुर वासियों का जो रिश्ता जो है ना, क्योंकि दीक्षा भूमि होने से बहुत ही मतलब ऐसे हार्ट से जुड़ा हुआ ऐसे बोल सकते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी शूटिंग पहले परभनी में करना चाह रहे थे। मैंने कहा जब आप संविधान पर बना रहे हैं तो क्यों ना आप दीक्षा भूमि का जो शहर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, आप संविधान की शूटिंग आप वहीं कीजिए। अब देखिए ऐसा है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में बहुत से लोगों को संविधान की विशेषताओं के बारे में मालूम ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज भी किसी पुलिस वाले को एक बेचारा गरीब आदमी अपना माई बाप समझता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, जबकि वो उसका पब्लिक सर्वेंट है और जो भी कर रहा है वो पुलिस वाला या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, वो कोई उस पर उपकार नहीं कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट है और वो सर्विस कर रहा है पब्लिक की। ऐसी बहुत सी बातें लोगों को नहीं पता है कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री व्हाट फंडामेंटल राइट्स डू यू हैव, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हर नागरिक को उसके जो जन्मसिद्ध अधिकार हैं उसके बारे में मालूम ना हो। तो इस फिल्म के, इस लघु चित्र के जरिए हम ये पैगाम देना चाहेंगे हर आम नागरिक को कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, उसको जानो, उसके मीठे फलों का आनंद लो, यही हमारा लक्ष्य है। ये बना जैसे आपने संविधान, मतलब ये जो है संविधान हमें बताना, मतलब संविधान के क्या राइट्स हमें मिले हैं उसके बारे में जानकारी इस फिल्म द्वारा दी जाने वाली है। हिजाब का मामला अभी बहुत सा मतलब सुर्खियों में छाया है हिजाब को लेकर, तो आपकी क्या राय? आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया है, हाँ हाई कोर्ट द्वारा निर्णय आया है, तो उस बारे में आप मतलब क्या बताना चाहोगे हिजाब के मामले? देखिए ऐसा है कि जिन्होंने भी ये पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये फैसला उनके हक में नहीं आया है तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जा सकते हैं। ये भी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही तो डेमोक्रेसी है कि अगर हाई कोर्ट से अगर आपको, आप ये समझ रहे हैं कि आपको आपके हक में फैसला नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे वो हमें सर झुकाकर हमें स्वीकार करना चाहिए। ये इसके लिए आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहोगे और फिल्म कब रिलीज होने वाली है क्या बताना चाहोगे? फिल्म रिलीज के बारे में तो अजमत भाई बता सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि ये जो आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा इस फिल्म को देखकर कि हर नागरिक के पास जो अधिकार हैं ऐसे अधिकार किसी भी दूसरे देश के नागरिकों के पास नहीं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें संविधान में, हमें आईन में दिए हैं। हम वो बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो डेमोक्रेसी का मतलब अब तक सही तौर पर नहीं समझ पाए। बिल्कुल, आपका किरदार किस तरह का है, छोटा सा और लास्ट वाला है सर? एक पॉजिटिव किरदार है, बिल्डर है, अमीर बिल्डर है और वो पर्यावरण का बहुत ख्याल रखता है, जो भी
अपनी बिल्डिंग्स, सोसाइटीज, टाउनशिप बनाता है, और जो बच्चे इस संविधान को आगे ले जाना चाहते हैं उनकी सपोर्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ। धन्यवाद। हमारे साथ रजा मुराद थे, और जो कि संविधानिक रास्ता ये जो लघु चित्रपट आ रहा है उसके लिए, उसके प्रमोशन के लिए आज नागपुर आए थे, और उनसे हमने जाना कि ये मूवी क्या है उसके बारे में जाना। तो आप भी ज़रूर देखिए। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।